करनाल के बीज मार्केट में उस समय हड़कंप मच गया जब कृषि अधिकारी ने छापामार कार्यवाही को अंजाम दिया। बताया जा रहा है उनके द्वारा कार्यवाही अधिक मूल्य में बीज बेचने की शिकायत के बाद की गई है। खास बात यह रही कि कृषि अधिकारी ने अपनी टीम के साथ किसान का वेश बनाकर कार्यवाही को अंजाम दिया था। आपको बता दें कि कृषि अधिकारी करनाल आदित्य प्रताप डवास द्वारा किसान का वेश बनाकर बीज की खरीदारी की गई। इस दौरान बीज के रेट में काफी अनियमितताएं पाई गई। कृषि अधिकारी ने समाचार एक्सप्रेस से रूबरू होते हुए बताया कि कोरोना महामारी के चलते जहां किसान देश का अन्नदाता बना हुआ है, उसी बात को मद्देनजर रखते हुए दुकानों पर जाकर बीज के रेट की जांच की गई, ताकि कोई भी बीज विक्रेता किसानों से अधिक मूल्य ना बटोर सके। उन्होंने चेताते हुए कहा कि किसानों से बीज का अधिक मूल्य लेने वाले दुकानदारों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि इस छापामार कार्यवाही का मकसद सिर्फ इतना है कि किसानों को उचित दामों पर बीज प्राप्त हो सके तथा कोई भी दुकानदार अधिक मूल्यों में बीज ना बेच सके। बताते चले कि वहीं कुछ दुकानदारों ने इस कार्यवाही को उचित ठहराया है। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी के समय किसानों के साथ कोई भी धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए। वहीं उन्होंने बताया कि दुकानों पर सभी दुकानदारों को कोरोना से बचाव के लिए मास्क सैनिटाइजर अवश्य रखना चाहिए। ये जो बीज का बिक्री का कार्य चल रहा है, उसमें दुकानदार किसानों से काफी ज्यादा भाव ले रहे हैं, तो ऐसी शिकायतों पे आज निश्चित हुआ कि क्यों ना किसान बन के ही सभी दुकान निरीक्षण किया जाए। तो मैं सौ में किसान बन के आई बेस मुसा में आया और मैंने दुकानदारों से बात की, तो जो शिकायतें थी किसानों की वो तकरीबन सही थी कि ये कहीं ना कहीं जो ये कोविड महामारी है, इसका फायदा उठा करके और कहीं इसका एक ऐसा डर सा और बहरा बह के माहौल में उस तरह की कुछ कार्रवाइयाँ की जा रही थी, जिसके तहत हमने बहुत सारे दुकानदारों को यहाँ देखा, उनके पास वो किसानों को रेट जो दे रहे थे उसका भी पर्ची नहीं काट रहे थे और उन्होंने रेट लिस्ट भी लगाई हुई थी, या पिछले साल जिसका भाव 60 रुपये था उसको 90 रुपये 10 रुपये में दे रहे थे। तो ऐसे उन सभी की चयनित कर लिया गया है और उनके खिलाफ अब आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। कितने महंगे रेट में बेच रहे थे क्या? देखो, जैसे मैंने बताया कि 60-70 रुपये रेट है, वो अलग अलग कंपनियों का रेट होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनके रेट अलग है, जो लोकल कंपनीज हैं उनके रेट अलग है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो पिछले साल का भाव था उस भाव से कहीं ना कहीं 30 रुपये 30-40 रुपये तक ज़्यादा दे रहे हैं। कौन कौन सी दुकानों पर मिली है? देखिए, ये तकरीबन 90 रुपये से कम की किसी भी दुकान के ऊपर नहीं है। 90 रुपये इन्होंने सभी ने एक रेट तय कर रखा था कि हम 4 घंटे दुकान खोलते हैं और 90 रुपये में ही सभी दुकानदार देंगे। कोई भी दुकानदार 120 रुपये तक भी जा रहे थे, तो ऐसे सबकी हमने आज पहचान की है, उनको कल अभी नोटिस जारी किए जा रहे हैं। थैंक यू सर। फसल का पैसा भी नहीं मिला और ऊपर से अगली फसल की जो तैयारी करनी थी किसान को, उसके लिए अगर वो बीज खरीदने आता है यहाँ ना, तो उनको कोई भी सरकारी पर्ची मिलती, ना उसका बिल देते, ना ये पता कौन सी वैरायटी लेके जा रहे हैं किसान, और जो 35 रुपये किलो सीड होता था वो आज 110 रुपए किलो, मेरे से 120 रुपए किलो मैंने खुद खरीदा, इसकी पर्ची भी मेरे पास है और डिप्टी डायरेक्टर जी मेरे साथ थे, मैंने इनको शिकायत की थी और ये खुद किसान बन के पूरी मार्केट की दुकानों में इन्होंने भी सर्च किया, जो बात बिल्कुल सही मिली, 120 से 90 रुपए किलो ये बीज बेच रहे हैं, किसानों को पूरा लूटा जा रहा है, ना उनको रसीद देते हैं, ना बीज का पता क्या खरीद के लेके जा रहा है किसान, इसीलिए ये आज बहुत बढ़िया डिप्टी डायरेक्टर जी ने, कृषि अधिकारी ने कार्रवाई की है इनके खिलाफ। उचित बीज जो है उनको दिया जाता है, प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग जो करनी होती है वो जरूर करनी चाहिए, और उनको जो है पूरा यहाँ पर सुविधा दी हुई है, थोड़ा सा दूर दूर खड़ा करके उनको सामान देते हैं, किसी प्रकार की दुविधा ना आए इसके हमने समुचित इंतजाम किए हुए हैं। किसान भाइयों, किस प्रकार के बीज आपके पास उपलब्ध हो रहे हैं, कौन कौन सी वैरायटी हैं आपके पास? हमारे पास जो ना तकरीबन धान की सभी वैरायटी उपलब्ध हैं, और जो जो अगर कोई शॉर्टेज में है तो उनको एक दो दिन में जैसी उपलब्ध होंगी उनको उसी उचित रेट में हम उनको उपलब्ध कराएंगे, ये हमारा जो ना दृढ़ निश्चय है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.